साहिबगंज शहर के बंगाली टोला स्थित रॉबर्टसन क्लब में झारखंड राज्य अराजपत्रित प्रारंभिक शिक्षक संघ की ओर से शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षक सम्मान सम्मेलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि डीएसी राजेश कुमार पासवान, नगर परिषद अध्यक्ष श्रीनिवास यादव, उपाध्यक्ष रामानंद शाह, साहिबगंज बीईओ प्रफुल्ल चंद सिंह आदि ने संयुक्त रूप से सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्णन की तस्वीर पर माल्य अर्पण कर व दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम समारोह में संघ की ओर से जिले के विभिन्न प्रखंडों के करीब 40 शिक्षक व शिक्षिकाओं को शॉल उड़ाकर व उपहार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डीएसई ने कहा कि बच्चे गीली मिट्टी के समान होते हैं, उन्हें शिक्षक रूपी मूर्तिकार जैसा चाहे वैसे सांचे में ढाल सकते हैं। शिक्षकों पर ही देश का भविष्य गढ़ने का सारा दारोमदार है। आज का कार्यक्रम शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में किया गया, क्योंकि 5 तारीख को सभी अपने अपने विद्यालयों में व्यस्त थे, इसलिए 6 तारीख को पूरे जिले के शिक्षकों का सम्मान करना था, इसलिए वृहत रूप से किया गया, जिसमें पूरे जिले के सभी प्रखंड के शिक्षकों को सम्मानित किया गया, 40 शिक्षकों को सम्मानित किया गया और सभी प्रखंड के शिक्षक एवं संगठन के प्रभारी सभी आए। हमारे मुख्य अतिथि में नगर अध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष थे, नगर उपाध्यक्ष, डीएससी साहब, एजुकेशन एसडीओ साहब, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी एवं संघ के पुराने सभी साथीगण सभी उपस्थित थे। सबों का सहयोग से ये मैंने किया है, पिछले वर्ष में भी मैंने शुरू किया, इसको ये आगे तक चलाएंगे, ये सब हमने उठाना है। और हम झारखंड और राजपत्रित प्रारंभिक शिक्षक संघ के राज्याध्यक्ष होने के नाते सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए आशा करता हूं कि मैं पुनः सभी का इस तरीके से सम्मान करता रहूंगा। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए साहिबगंज से अरविंद कुमार की रिपोर्ट। आगरा के सर्वाधिक सबसे लोकप्रिय चैनल प्रातः दर्पण न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। चैनल के फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें।